गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस विद्वत सभा में गीता जयंती के अवसर पर कुछ दो शब्द बोलने के लिए निमंत्रित हूं। मेरे लिए समय भी बहुत कम है, केवल 15 मिनट में है। जैसा भी हो मैं कुछ बोलने की चेष्टा करूंगा। विशेष करके यहाँ के अधिकांश निवासी फिजी हैं, फिजी वाले नहीं, भारत के बिहार प्रांत के भोजपुर संबंधित रहने वाले, और मेरा जन्म पढ़ाई लिखाई इत्यादि खास भोजपुर में गंगा के किनारे हुई, इसलिए मुझे हिंदी बोलने में भी आनंद होता है कि आप लोग समझ सकेंगे। भगवान के अवतार जगत गुरु श्रील कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इस ग्रंथ के प्रणेता हैं, रचयिता है। उन्होंने एक विशाल ग्रंथ महाभारत की रचना की। उसी महाभारत के अंतर भीष्म पर्व के प्रारंभ से 42 अध्याय तक 18 अध्याय में गीता है। गीता क्यों प्रकट हुई, कृष्ण ने गीता को जगत में क्यों प्रकाश किया, गीता उपनिषद एक है और सब जितने भी उपनिषद हैं उनका सार संकलन इस भगवत गीता उपनिषद में किया गया। कहा गया है सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो सुधीर भुक्ता गीतामृतम महत। सारे उपनिषद वेद उपनिषद ये सब गाये हैं, गायों को दूहने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। पाथ बछड़े के रूप में है किंतु सारे जगत के लिए ये गीता अमृत के समान है, उपलब्ध है। सारे जगत के कल्याण के लिए ही गीता को उन्होंने दिया। एक विशेष बात है, अर्जुन कृष्ण के नित्य परिकर हैं, उनको माया मोहन जगत का नहीं हो सकता, उनको संदेह भी नहीं हो सकता। किंतु कृष्ण ने इस विद्या को देने के लिए, ब्रह्म विद्या को देने के लिए, प्रेमा भक्ति देने के लिए जगत में उन्होंने उनको प्रेरणा देकर के प्रश्न पूछवाया कि जगत का कल्याण कैसे होगा। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बतलाया था, सबसे पहले परमार्थ में ये है कि हम शरीर नहीं है। शरीर आजकल न परसों बूढ़ा होगा, विश्व के सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट मिलकर के भी इसको रोक एक मिनट के लिए नहीं सकते और अंत में मृत्यु हो जाएगी। किंतु ये समझना चाहिए मृत्यु किसकी होगी, जीवात्मा की मृत्यु नहीं होगी। हम जीवात्मा है, पार्ट और पार्सल ऑफ भगवान है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन
भगवान का भी विनाशी ये जीव है, कभी भगवान में मिलकर के एक नहीं होगा, बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण को पा करके प्रेमा भक्ति पा करके गोलोक वृंदावन में कृष्ण की नित्य सेवा करेगा। ऐसे जगह में जाएगा न निवर्तन्ते जद धाम परमम जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, वहां से लौट करके आना नहीं होता है। वहीं पर गीता का मूल तात्पर्य यह था। विशेष करके एक बात मैं कहना चाहता हूं, यह शास्त्रों ने कहा है कि यदि भागवत को समझना है तो ये सबसे पहले सिद्ध करो जे कृष्ण स्वयं भगवान इसके वक्ता हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो सत्य परम सत्य कहा, उसमें तनिक भी कहीं झूठ नहीं है। इसका जो श्रवण करके पालन करेंगे या दूसरों को भी शिक्षा देंगे उनका परम कल्याण नित्य सिद्धि उसकी होगी। विशेष करके हमारे देश में कृष्ण ने स्वयं कहा मत्तः परतरम नन्नत किंति अस्ति धनंजय, मुझसे पढ़कर के कोई परतत्व है ही नहीं है। मत्तः सर्वान् प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होते हैं। राम निसिंह कल्कि वामन इत्यादि जितने भी अवतार सब कृष्ण से ही उत्पन्न होता है, भागवत इसके प्रमाण है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान सन, कृष्ण स्वयं भगवान। इसलिए पहले ये समझ करके धारणा करनी चाहिए कृष्ण स्वयं भगवान है। अर्जुन को एक बहाना मात्र बतलाकर उनसे प्रश्न पूछते हैं। समय के अनुसार गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें सर्वकालीन सर्वज्ञानी और ज्ञानी जितनी भी समस्याएं जगत में हो सकती हैं सबका समाधान इसमें मिल सकता है। केवल एक ही काल के लिए गीता नहीं है, अनादि अनंत और सनातन ये गीता है। हमारे यहाँ देश में गीता का बड़ा आदर है, बाहर में भी आदर है। इसका गीता का शंकराचार्य का नाम आप लोग जानते हैं, शंकराचार्य आनंदगिरी मधुसूदन सरस्वती आदि ने इसकी प्रसिद्ध टीकाएं की हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ में रामानुजाचार्य ने मध्वाचार्य ने सिद्धर स्वामी ने इसकी टीकाएं की हैं। आनंदगिरी शंकराचार्य की ये ग्रंथ जो है टीकाएं हैं और कुछ सत्य को छिपाकर अद्वैत बात जीव ही ब्रह्म है, अहम सर्वम खलु इदम् अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि की शिक्षा दिया। गीता के भी अर्थ को तोड़ मड़ोड़ कर उन्होंने अद्वैत बात सिद्धि करने के लिए लगाया, उनके संप्रदाय के और लोगों ने भी। किंतु रामानुज मध्वाचार्य और श्रीधर स्वामी ने इसकी भक्ति परक व्याख्या की। इसमें एक विशेष बात है कि हम लोग अचिंत भेदा भेद आचार्य के पीढ़ी में हम लोग आए हैं। हम लोगों का यह विचार है या हमारे संप्रदाय का या भक्तों का जो रामानुज मध्व इत्यादि का, यदि समय हो जाएगा तो हमें याद करा देंगे। तो हमारे संप्रदाय में अचिंत भेद अभेद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री बलदेव विद्याभूषण ये बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं। उन्होंने गीता पर जो टीका लिखी है उसी में से ही कुछ मैं बोल रहा हूं। ये गीता हमने पहले बतलाया कि कृष्ण ने बतलाया
माम एव जे प्रपद्यन्ते, मेरी ही जो उपासना करेगा उसी का उद्धार होगा। ते अपि माम एव कौन्तेय, हे कौन्तेय, जो लोग मेरे ही प्रपन्न होंगे उनका ही कल्याण होगा। और सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम प्रज, माम एकम, तीन बार क्यों माम एकम, माम एकम, माम एकम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, तीन बार कहा गया है। अर्थात ध्रुव सत्य परम सत्य यह है। इस गीता में विशेष करके गुह्य सब साधारण ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान और सर्वगुह्यतम ज्ञान बतलाया गया। इसमें से साधारण ज्ञान, मैं जीवात्मा हूं, मैं भगवान का अभिन्न अंश हूं, मेरा कभी मृत्यु और जन्म नया नहीं है। गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, मैं ब्रह्म जातीय वस्तु हूं किंतु मैं आंशिक रूप में ब्रह्म के समार हमारे गुण इत्यादि है। और भगवत ज्ञान परमात्मा ज्ञान, सबके हृदय में परमात्मा एक होते हुए भी सब प्राणियों के हृदय में है। भगवत ज्ञान, कृष्ण स्वयं भगवान है, एते चांद सकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण है, उनका कोई आदि नहीं है। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ किसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, कृष्ण परम पूर्ण ब्रह्म है, ये समस्त शास्त्र कहते हैं। केवल वही नहीं, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, सभी ने उनको ये माना है कि ये स्वयं भगवान है। इसलिए जो जो कृष्ण जो गीता कह रहे हैं जगत कल्याण के लिए, इसको सुन करके समझ करके लोग भव सागर को पार कर सकते हैं। विशेष करके समय कम है इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूं। अभी जो सर्व गुह्य तमम बतलाया वो श्लोक कहा गया है, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी मांग नमस्कुरु। और तात्पर्य इसका ये है, मनमना भव, अपना मन हमको दे दो, हम में तुम तन्मय हो जाओ। हमारे टीकाकारों ने इसका उदाहरण दिया, ब्रज में एक नवेली स्त्री अभी विवाह हुआ नंदगांव में आई, कृष्ण के संबंध में बहुत कुछ सुना था, उनकी अद्भुत अद्भुत कथाओं को, किंतु आज तक देखा नहीं था। वो कृष्ण को दर्शन करना चाहती थी निकट से। एक दिन कृष्ण गौओं को लेकर, बछड़ों को लेकर गोचारण के लिए जा रहे थे। कृष्ण तो सब अंतर्जामी हैं, वो जान गए कि ये नवेली, ये लड़की मुझे निकट से दर्शन करना चाहती है।
उसने एक बछड़े का पूंछ थोड़ा सा पकड़ दिया, वो दौड़ता हुआ ठीक जहां वो खड़ी थी वहीं पर उपस्थित होगा। कृष्ण ने अपनी बंसी उसके ठोड़ी में लगा दी और चले गए। उसके सास ने पहले कहा था, कहां जा रही हो? कृष्ण का दर्शन करने। मत जाओ, काला सर्प दस देगा। उसने कहा, ये तुम्हारी बेटी और सब लोग यहाँ के लोग क्यों जा रहे हैं? मैं तो जाऊंगी किसी प्रकार, तो देखो तुमको जरूर काला सर्प दस देगा। तो वो मानी नहीं, चली गई। तो कृष्ण ने उसके छोड़ी में अपनी बंसी स्पर्श दे करके चली गई। कृष्ण ने उसका चित्त हरण कर लिया, वो एकदम मनमना भव हो गई। अब उसको अपना पराया कुछ ध्यान नहीं रहा, खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ दिन में उसकी सास आई, मैंने कहा था ना जो काला सर्प दस देगा, तूने मानी नहीं, आखिर काट ही दिया। उसने उसके सिर के ऊपर में घड़ा, उसके ऊपर में घड़ा, उसके ऊपर में एक और घड़ा। ब्रज में ऐसी ही रीतियां हैं, वहां की महिलाएं एक दो तीन घड़े लेकर के चलती हैं, जल भर करके घर में लाती हैं। और एक हाथ में डोल बाल्ची दे दी और एक लड़के को छोटा सा बच्चा उसकी गोदी में दे दी, जाओ कुएं से पानी भर के लाओ। कुएं पर गई, घड़े को रखा, बच्चे को रखा और रस्सी ली, ध्यान तो है नहीं। उसने गले, लड़के के गले में वो रस्सी डाल दी। इतने में एक ने कहा, अरे इसको तो भूत लग गया, नहीं तो बच्चे के गले में रस्सी डालेगी। किसी ने कहा कि नहीं, इसको भूत नहीं, नंद का पुत लगा है। पुत माने बेटा, इसके अंदर में ऐसा प्रवेश कर गया है कि उसको शुद्ध बुद्धि नहीं रही। यह है मनमना भव। मदभक्तो, मदोभक्त माने अंबरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, विशेष करके बिल्व मंगल। कहानी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं संक्षेप में ही बतलाया, समय हो गया इसलिए संक्षेप में ही बतलाया। मनमना भव, मद भक्तो, मद याजी, हमारा जजन करो, अर्चन करो, मांग नमस्कुरु। तुम अर्जुन कहते हैं कि मैं इतना तो युद्ध में कर नहीं सकता, कोई और सरल सहज उपाय बतलाइए। अंत में उन्होंने कहा है नमस्कुरु, एक बार मुझे नमस्कार करके युद्ध में लग जाओ। नमस्कार माने क्या? न माने अहंकार, जितने शारीरिक हैं उसको निषेध करना, अहंकार को छोड़ करके भगवान के चरणों में शरणागत होना ही, ये नमस्कार का सबक। समय बहुत मैं बोल गया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आज यहीं तक अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंशा कल्पतरु भैस्य कृपा सिंधु।